लेकिन लगाए रखो, इन्हें क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो, देखते रहे सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्हें पता ही ना चले कौन हमारा खून चूस रहा है, कितनी जूके लगी हुई है मेरे जिस्म के साथ और वो मेरे खून को चूस रही है, उन्हें पता ही ना हो, मस्त रखो। इकबाल ने तो कहा था ना, मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाई में इसे, उससे कहीं ज्यादा लज्जत जो है वो अब वो मैच देखने में आ रही है। लगाओ इनको तरह तरह के नाम से जो है जुए के अंदर लगाओ। ये तमाम धंधे इसलिए हैं, ये इसमें मगन रहे हैवानों की तरह। और ये भी नोट कर लीजिए, ये भी उनके प्रोटोकॉल्स में है, अखलाकी एतबार से इन्हें करप्ट कर दो, इन्हें तमीज ही ना रहे बेटी में और बीवी में, इन्हें तमीज ना रहे मर्द और औरत में। हैवान, बिल्कुल हैवान, हैवान बना दो। इंसानियत कहीं रह गई तो किसी और बगावत का अंदेशा है। औरत को बाहर बाहर निकालो घर से, उसे शमे महफिल बनाओ, उसे हथियारों उसे इश्तहारों का मौजू बनाओ। मोटरसाइकिल का इश्तहार है तो औरत, चाय का इश्तहार है तो औरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मकसदे बेसत की तकमील का सैलाब जब चला था, थकता थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, किसने रोका? न ईरानियों की तलवारें रोक सकी, न रूमी लीजेंस, रूमी फौजी दुनिया जो है थर्राती थी उनके नाम से, नहीं रोक सके उस सैलाब को। हजरत खालिद ने कहा था रूमियों से, तुम अपनी तादाद पर ना जाना, अपने असलाह पर ना जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए जो मौत का ख्वाहिशमंद है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुशाई, उसे कौन शिकस्त देगा।